नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये मुकाबले खेले जा रहे हैं यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर में। मैन 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड के ये मुकाबले हैं और राउंड वन में हमें नज़र आएंगे मोहम्मद इमोन हुसैन बांग्लादेश के, प्रेमसन मितई भारत के, सैदुल इस्लाम बांग्लादेश के, थिरापत तोंदे थाई के, अथिप थाईलैंड के, यूसुफ शिहार श्रीलंका के, रूपम गोगोई भारत के और मतीशा श्रीलंका। जी हाँ, ये 8 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं और देखिए जैसे ही बढ़िया डाइव आई है, ये फॉरवर्ड डाइव, और ये सैदुल इस्लाम बांग्लादेश के फॉरवर्ड डाइव के लिए जाएंगे। ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन निश्चित तौर पर कहा जाएगा। जी हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट ने पुष्टि की है कि बढ़िया ये डाइव है। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कौशिक और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं भाऊ साहिब दिघे, एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। और अब हैं थिरापत तोंदे थाईलैंड के, फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट। बहुत बढ़िया ये डाइव है। आदिथिप थाईलैंड के, ध्यान एकाग्र चित्ता समझते हुए और अब जाएंगे डाइव के लिए। हल्का सा जंप और ये बढ़िया डाइव। यूसुफ सेहार श्रीलंका के तैयार हैं फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट। जो डिफिकल्टी है इसकी वो है 1.7। बढ़िया डाइव। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और अब ये रूपम गोगोई भारत के, शानदार। और देखिए, होम ग्राउंड में प्रदर्शन करने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, घरेलू दर्शकों के बीच में प्रदर्शन और निखर कर आता है। और अब है मथीशा श्रीलंका के, पहले राउंड की आखिरी ये डाइव होगी, फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट, डिफिकल्टी 1.7। इसमें हमारे करीबन 7 डाइवर्स ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। अभी फिलहाल 1 मीटर का इवेंट चालू है, जिसमें हमारे बॉयज़ के डाइवर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, ये है मोहम्मद इमोन हुसैन और अब तैयार हैं प्रेमसन मितई भारत के, बैक डाइव के लिए तैयार। बढ़िया डाइव। देखिए घरेलू जोश, तालियों की गड़गड़ाहट। इसका जो डिफिकल्टी का लेवल रहा प्रेमसन का, वो है 1.6। ये बैक डाइव है और इसमें अगर बात करें हम तो 5 कैटेगरीज होंगी। फॉरवर्ड होगा, बैक डाइव होगा, रिवर्स समरसॉल्ट होगा, इनवर्ड होगा और फॉरवर्ड डाइव ट्विस्ट होगा। अब तैयार है सैदुल इस्लाम बांग्लादेश के, 1.7 डिफिकल्टी के साथ बैक डाइव के लिए तैयार।
बढ़िया डाइव। ये देखिए अपने जो लचक होती है इसकी बोर्ड की, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है और वही किया यहाँ पर थेरापत तोंदी थाईलैंड के, खासा प्रभावित किया है यहाँ पर थाईलैंड के डाइवर हों स्विमर हों। और ये बैक डाइव के लिए ये इन्वर्ट इन्होंने किया है, हाँ। 1.5 डिफिकल्ट के साथ ये इन्वर्ट डाइव के लिए गए। आप चूज कर सकते हैं कि आपने क्या चुना है, लेकिन उसको आप रिपीट ग्रुप का मुकाबला है ये, तो एक ग्रुप में आपको अब ये दोबारा वो नहीं करेंगे। जी हाँ, और अब तैयार हैं आदित्य, ये बैक डाइव के लिए जाएंगे 1.6 के डिफिकल्टी लेवल के साथ। आदित्य थाईलैंड, स्ट्रेट गुड डाइव। यहाँ पर आपका प्रदर्शन ये डिसाइड करता है कि आपके अंक क्या होंगे, जितनी बढ़िया डाइव होगी उतने ही अच्छे अंक आपको यहाँ मिलते हैं। 7, 7, 6.5, 6.5 and 5.5 ये स्कोर रहा। और अब तैयार हैं यूसुफ सेहार, ये जाएंगे बैक समर सॉल्ट के लिए, डिफिकल्टी लेवल रहेगा 1.6। विसल का इशारा, समझ रहे हैं, जानते हैं महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ कंपटीशन है और प्रदर्शन भी ठीक वैसा ही। बढ़िया डाइव, 4, 3, 3.5 और अब है भारत के रूपम गोगोई, बैक डाइव के लिए जाएंगे 1.6 डिफिकल्टी लेवल। और ये जो 1 मीटर की हाइट से आप यहाँ जंप करेंगे, डाइव करेंगे, बैक डाइव रूपम गोगोई भारत के, बढ़िया डाइव। और जैसे ही भारत के डाइवर स्विमर यहां पर अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो भारतीय समर्थक हैं उनका पूरा समर्थन यहां उन्हें मिलता है। और अब मथेशा श्रीलंका के इनवर्ड डाइव के लिए तैयार हैं। बढ़िया डाइव, और इसी के साथ राउंड नंबर 2 अब समाप्त होता है। ये है अंतिम राउंड, ये है नोवा राउंड। मोहम्मद इमान हसन 405C की पोजीशन के लिए 1 मीटर 3.1 की डिफिकल्टी के साथ इनवर्ड 2.5 समरसॉल्ट। इनवर्ड 405 बहुत अच्छी डाइव मानी जाती है, लेकिन इस डाइवर ने थोड़े से बच गए हैं, क्योंकि अगर उसके लेग्स अगर पानी में पहले टच हो जाते तो ये डाइव जज रेफरी की तरफ से फेल दी जाती। उसी हिसाब से स्कोर 2, 2.5, 1.5
वन। अभी की प्रदर्शन देखते हुए भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, इन तीन टीमों के बीच में संघर्ष जारी है या आखिरी राउंड जारी है? जी हाँ, अब नौवे राउंड में अपने आखिरी डाइव के लिए तैयार हैं प्रेमसन मैती भारत के। 303B की पोजीशन के लिए 1m 2.4 की डिफिकल्टी के साथ रिवर्स 1.5 समरसॉल्ट। शानदार ये डाइव, शानदार ये प्रदर्शन। सिक्स फाइव एंड हाफ, बढ़िया स्कोर। अब हैं सैदुल इस्लाम 5-2-1-1 की पोजीशन के लिए तैयार। 1m 1.8 की डिफिकल्टी का लेवल है और बैक डाइव 1.5 ट्विस्ट के लिए तैयार। अपने बॉडी वेट को अपने टॉप पर ट्रांसफर करते हुए पंजों पर, जी हाँ, इसे कहते हैं एडी चोटी का जोर लगाना। बहुत बढ़िया ये डाइव, देखिए 2.5, 3, 1, 1.5। अब है थेरापत तोंदी 303C पोजीशन के लिए, जी हाँ 303 पोजीशन के लिए तैयार। ये भारतीय डाइवर्स के लिए एक तरीके से तोहफा दिया है यहाँ थाईलैंड ने। ये डाइव निश्चित तौर पर 2.5, 3.5, 2 एंड 3, जी हाँ, बहुत ही कम मार्क्स इनको मिले हैं यहाँ पर। निराश होंगे अपने प्रदर्शन से निश्चित तौर पर। और हैं अदिथिप तैयार है अब 105 की बी की पोजीशन के लिए, 2.6 की डिफिकल्टी का लेवल, फॉरवर्ड 2.5 समरसॉल्ट। ये बढ़िया डाइव है, ये अच्छे डाइव है। और रेफरी टाइम भी ले, 6, 6.5, 5.5, 6, बढ़िया स्कोरिंग। यूसुफ शिहार अपनी आखिरी डाइव के लिए जाते हुए, नौवा राउंड है ये और इसी के बाद इसी राउंड के अंकों को प्लस करके जो स्कोर होगा उसी के आधार पर। फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। थोड़ा सा चूक गए हैं जैसे ही पानी की सतह पर टकराए हैं। ये फेल, शायद इस डाइव को जो है फेल करार दिया गया है। इस डाइव में रेफरी ने फेल डाइव दिया है क्योंकि इस डाइव में हेड एंट्री पहले होनी चाहिए थी, जिसमें पैर पहले पानी में टच होने की वजह से रेफरी ने उसको फेल दिया है। जी हाँ, अब है भारत के रूपम गोगोई अपनी आखिरी डाइव के लिए तैयार हैं, नौवे राउंड। इसके बाद ये इवेंट 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का समाप्त होगा। इसके बाद एक डाइव और बची है मथीशा मराबे, लेकिन अब भारत के रूपम गोगोई। बहुत बढ़िया डाइव है ये, फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट 2 ट्विस्ट कामयाब। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, 5.5, 6, 6, 5.5, 5, 5, 1, 3, 4 डी की पोजीशन, शानदार 2.6 के डिफिकल्टी लेवल के साथ। बढ़िया यहां भारत का प्रदर्शन अभी तक का। और अब है मथीशा मराबे 105C की पोजीशन, 2.4 डिफिकल्टी का लेवल, फॉरवर्ड 2.5 समरसॉल्ट। बहुत बढ़िया ये डाइव कही जाएगी, बिल्कुल अपने बॉडी बैलेंस को यहां पर मेंटेन रखा एंड तक। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। 5.5, 5, 3, 4.5, 4.5 ये स्कोर है।
लड़कों का 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का इवेंट 9 राउंड संपन्न हो चुके हैं और अब इंतजार है स्कोरिंग का, फाइनल स्कोरिंग। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024, जी हाँ, लड़कों के 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में यहाँ पर भारत के रूपम गोगोई ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर भी रहे हैं भारत के प्रेमसन मैती और थाईलैंड के आदित्य रहे हैं यहाँ पर तीसरे स्थान पर। शानदार प्रदर्शन भारत का, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल यहाँ मिले हैं भारत को, ब्रोंज गया है थाईलैंड के पास। और अब समय है 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड लड़कों के वर्ग के पदक वितरण समारोह का। ब्रॉन्ज मेडल थाईलैंड के नाम, 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड लड़कों के वर्ग का फाइनल के बाद यह पदक वितरण समारोह और थाईलैंड के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर दी है भारत को और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और उम्दा प्रदर्शन भारत के विंसन का, जिनको मिलता हुआ सिल्वर मेडल 337 पॉइंट इन्होंने हासिल किए थे 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड के फाइनल में। और भारत के रूपम, कमाल का प्रदर्शन, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का गोल्ड मेडल भारत के रूपम के नाम। बहुत बहुत बधाई। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 यहां खेली जा रही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर में। यह है वाटर पोलो का मुकाबला, गोल्ड मेडल का ये मैच है भारत और थाईलैंड के बीच में। आइए नजर डालते हैं थाईलैंड के स्क्वाड पर। पैंथला असायुत थानिधिकरण कनरुते यानी शातारोन नेफातस्वान थानिका सरूचा नेतामोन रक्सीना परैनई सुमितनी पनीता और नौरीन वाटर पोलो। 7 खिलाड़ी पूल में होते हैं, 1 गोलकीपर और 7 अटैक करते हैं। मैं आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। विद्यालक्ष्मी आर अमिता वर्षा सफवा सकीर मधुरिमा भाद्रा अंजायली विश्वमाया वंदना आदित्य बी आर ऐसा सारा पॉल देविका कनोली और अनखा जीएस। जी हाँ, ये है भारत का स्क्वाड। जो गोलकीपर हैं वो हैं विद्या लक्ष्मी, भारत ने श्रीलंका को परसों हुए मुकाबले में हराया था 27-7 से, और कल थाईलैंड ने भी श्रीलंका को हरा दिया था। तो श्रीलंका पहुंच गई है यहां पर तीसरे स्थान पर और अब ये पहले और दूसरे स्थान के लिए पहले क्वार्टर की 8 मिनट की जंग शुरू। नेफातस्वाना मौका पूरा है और इस बार चूकी यहां पर विद्यालक्ष्मी, पहला स्कोर किया है यहां पर थाईलैंड ने। गोल पोस्ट से ऊपर से काफी दूर से बाहर चली गई है और रक्सीना एक बार फिर लेके आगे बढ़ी है यहां पर। यसीना जो बढ़त हो गई है वो थाईलैंड की हो गई है 5-0 की, और एक गोल का इजाफा और यहां पर थाईलैंड के स्कोर में। 6-0 से फिलहाल थाईलैंड ने बढ़त यहां पर बनाई हुई है। थाईलैंड की गोलकीपर घुमाते हुए रिवॉल्व करते हुए और ये बाहर रेफरी के पास बॉल। और अब ये दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू होते हुए क्या कामयाब हो पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़िया ये पास देखने को मिला है, पेंडता पकामैन ने पास कर दिया है और विसल का इशारा। एक गोल और यहां शुरुआत दूसरे क्वार्टर की भी, कैप्टन थानिता एक गोल और जड़ते हुए, और इसी गोल के साथ थाईलैंड की जो बढ़त हो गई है वो हो गई है भारत के ऊपर 7-0 की। इस बार ये पूरा मौका है, जी हाँ, बिल्कुल गोल पोस्ट के पास है। क्या भेद पाएंगी इस दीवार को? जी हाँ, ये दीवार इस बार भेद दी है। पहला गोल
भारत के लिए वर्षा ने कर दिखाया है दूसरे क्वार्टर में पहला गोल भारत के लिए आते हुए। वाटर पोलो जो परिधि है यहाँ इस वाटर एरिया की वो है लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर और ये प्रयास शानदार प्रयास सफलता यहाँ एक बार फिर थाईलैंड को मिलते हुए एक गोल का इजाफा और थाईलैंड के लिए यहाँ पर आते हुए। क्या सफवा सकीर पास करेंगी? जी हाँ पास किया है, बॉल पहुंची है दो कैप्टन के पास। जी हाँ ये है अमिता, शानदार प्रदर्शन एक गोल और यहाँ भारत के लिए करते हुए। लेकिन शायद समय समाप्ति दूसरे क्वार्टर के बाद भारत का स्कोर 2-14 है और अब ये तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू होते हुए। ये बहुत बढ़िया गोल यशीना तोरोन का थाईलैंड के लिए, बिल्कुल सटीक निशाना, कोई ताकत नहीं लगाई, देखा समझा और फिर दाग दिया एक और गोल। बढ़िया थ्रो और नफ्ता सवा कदम का ये पास था और यहाँ पर एक गोल और बटोर लिया है कानुरतेई ने थाईलैंड के लिए। देखिए 18 गोल अब तक थाईलैंड की टीम कर चुकी है यहाँ पर। जो साइड बार है उसे थोड़ी सी बाहर बॉल ड्रॉप हुई है और ये एक मौका और। जी हाँ बहुत बढ़िया सरूचा एक गोल और यहाँ करने में कामयाब रही है थाईलैंड के लिए। 3 सेकंड और हुटर की आवाज, इसी के साथ 3 क्वार्टर का ये खेल संपन्न हो चुका है। 19 गोल किए हैं थाईलैंड ने और 2 गोल किए हैं यहाँ मात्र भारत ने। अब है लास्ट क्वार्टर की बात और ये पास किया है भारत की वर्षा ने और अब कैप्टन अमिता का ये पहला गोल आते हुए। जी हाँ ये पहला चौथे क्वार्टर में पहला गोल देखने को मिला है भारत की ओर से। इसी के साथ भारत का स्कोर भी हो गया है 3। कांडुरतिया का ये पास और ये गया है सीधा प्रणयी के पास। एक गोल और यहाँ पर जड़ते हुए परानी और इसी के साथ थाईलैंड का जो स्कोर हो गया है वो भी हो गया है 22। तेजी से आगे बढ़ रही हैं कानुरतेई। यहां मौका है सरूचा के पास, पास किया प्राणी के पास, अटैक के लिए बॉल मौजूद लेकिन कानुरतेई के पास। जी हाँ एक गोल और ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। एक गोल और यहां जुड़ते हुए कानुरतेई का शानदार ये एक गोल और। इसी के साथ थाईलैंड का स्कोर पहुंच गया है 24। तालमेल की कमी कही जाएगी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी और ये देखिए चौथे क्वार्टर के खेल की समाप्ति पर स्कोर है थाईलैंड का 24 भारत का 3 और इसी के साथ बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का और इस मुकाबले को जीत लिया है थाईलैंड ने। भारत को यहां दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा है। एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में लड़कियों के 400 मीटर मेडले का फाइनल, लेन नंबर 1 में फ्लोरिना है श्रीलंका की, 2 में है श्रीलंका की डिनाली, 3 में भारत की कन्या नायर, 4 में आरजू नेपाल की, 5 में तानिया भारत की, 6 में शिरीन और 7 में है श्रीलंका की शेंशुई। यानी लेन नंबर 3 में कन्या नायर, 5 में तानिया, 6 में शिरीन और अच्छी बात भारतीय नजरिए से यह है कि कोई भी थाईलैंड का पार्टिसिपेशन इस 400 मीटर मेडले में है नहीं। तो 1-2-3 पर भारतीय रह सकते हैं। शुरुआत हुई है और यहां पर देखिएगा इस समय लेन नंबर 3 में कन्या नायर और लेन नंबर 5 में तानिया के बीच फाइट देखने को मिल रही है। 50 मीटर पूरे हो गए हैं और लेन नंबर 5 में तानिया शदाक्षरी इस समय स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रही हैं।
और ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर इस समय अगर देखें तो लेन नंबर वन में फ्लोरिना डी रोज जो हैं श्रीलंका की, वो इस समय नंबर तीन पोजीशन पर हैं, लेकिन भारत की तान्या शताक्षरी लेन नंबर पांच में इस समय 100 मीटर में सबसे पहला फ्लिप उनकी तरफ से आता हुआ, और उसके बाद लेन नंबर तीन में भारत की कन्या नायर, कल उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था इसी टूर्नामेंट में, पोडियम फिनिश तो लगता है जरूर करेंगी, क्योंकि ये रेस बड़ी है कि आप इस 400 मीटर मेडले में जो आपने शुरुआत हासिल की है शुरुआत के 150 मीटर में उसको कैसे आप मेंटेन रखते हैं। 150 मीटर के बाद भारत की तान्या शताक्षरी बढ़त पर हैं इस पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्रों के बीच भविष्य की प्रतिभाओं को सामने लाने के नजरिए से देखें तो यह बेहद अहम प्रतियोगिता है। तान्या शताक्षरी इस समय 200 मीटर पूरा हो चुका है और 200 मीटर के बाद वो लीड पर चल रही हैं भारत की तान्या। इस समय तान्या शताक्षरी लगभग 10 मीटर से ज्यादा की लीड उन्होंने बना ली है, और जैसे जैसे रेस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कन्या नायर थोड़ा सा स्लो होते जा रही हैं अपनी टाइमिंग के नजरिए से। इस समय ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन की बात करें तो श्रीलंका की डिनाली ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर चल रही हैं, और चूंकि आखिरी जो 100 मीटर होते हैं वो फ्री स्टाइल के होते हैं तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि तान्या शताक्षरी उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, और अब तो गोल्ड मेडल पर कोई शंका ही नहीं रही। जब ये रेस शुरू हुई थी तभी ऐसा लग रहा था कि भारत की तीन के तीन पोडियम फिनिश होगा, लेकिन इस समय जो सूरत हाल है वो ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में भारतीय ये खिलाड़ी नजर नहीं आ रही है। शिरीन काफी पीछे हैं, और इस समय ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पर जो स्विमर हैं वो श्रीलंका की डिनाली हैं। गोल्ड मेडल जाता हुआ तान्या शताक्षरी के नाम, बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने, और अब सिल्वर मेडल, बढ़िया प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन, अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक के एक दिन बाद एक और पदक, और ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका की डिनाली के नाम लगभग उन्होंने तय कर लिया है। डिनाली को मिलता हुआ यहां पर ब्रॉन्ज मेडल, तो गोल्ड तान्या के नाम, सिल्वर कन्या नायर के नाम, और ब्रॉन्ज गया है डिनाली श्रीलंका के नाम। भारत का बेहतरीन प्रदर्शन इस बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में लगातार जारी है, और श्रीलंका की डिनाली ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। श्रीलंका के स्विमर्स ने भी थाईलैंड और भारत के बाद बढ़िया दमखम दिखाया है यहां पर। भारत की कन्या 5:35.34 की टाइमिंग, और कल एक पदक जीता था और आज दूसरा सिल्वर मेडल। भारत की तान्या शताक्षरी 5:12.96 की टाइमिंग के साथ 400 मीटर मेडले पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 200 मीटर बैकस्ट्रोक लड़कों का फाइनल नेपाल के परम्भा भंडारी लेन नंबर वन में है, श्रीलंका के देविंदा सिरिवर्धने लेन नंबर दो में, थाईलैंड के पुंचरत लेन नंबर तीन में, भारत के निथिक निठेला लेन नंबर चार में, लेन नंबर पांच में भारत के देवांश परमार, लेन नंबर छह में है नेपाल के तेंजिंग गुरुंग, और श्रीलंका के निसंधु लेन नंबर सात में अपनी चुनौती पेश करेंगे। चार में भारत के निथिक, पांच में भारत के देवांश, और छह में है तेंजिंग गुरुंग, तीन में है पुंचरत। अब बैक स्ट्रोक में तेजी देखने को मिल रही है, स्लाइट एडवांटेज इस समय यहां से जो नजर आ रहा है वो पुंचरत के पास है लेन नंबर तीन चार और पांच।
50 मीटर पूरा हो चुका है और 50 मीटर के बाद नितिक नेठेला स्लाइट एडवांटेज पर हैं लेन नंबर 4 में। उनको कड़ी टक्कर मिल रही है देवांश और पुंचरत से, लेकिन स्लाइट एडवांटेज, क्या गोल्ड मेडल जिता रहा है नितिक को यहां पर। भारत के नितिक आगे बाजी मारते हुए, गोल्ड भारत के नाम से अभी थोड़ा दूर है क्योंकि आधा सफर तय हुआ है। इस समय पोजिशनिंग जो है वो अगर आपको बताएं तो नितिक नेठेला 100 मीटर के बाद अच्छी खासी बढ़त को मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद देवांश अब सिल्वर मेडल की पोजीशन पर और थोड़ा सा पिछड़ गए हैं पुंचरत। अगर बाकी खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो लेन नंबर 7 में निसांदु बहुत पीछे, ऑल इंडिया यहां पर मामला लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का, लेकिन आखिर के 50 मीटर में क्या नितिक नेठेला अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएंगे या फिर देवांश परमार उनको चुनौती देंगे, क्योंकि पुंचरत एक समय ऐसा लग रहा था कि पुंचरत दोनों भारतीय स्विमर्स को कड़ी चुनौती पेश करेंगे, अब वो ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर चले गए हैं। और भारत के नितिक नेठेला जिन्होंने शुरू में बढ़त बनाई थी और उस बढ़त को अंत तक कायम रखने में लगभग सफल होते हुए, नितिक के नाम जा रहा है 200 मीटर बैक स्ट्रोक का गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल गया है भारत के देवांश परमार के नाम 200 मीटर बैक स्ट्रोक लड़कों का ये पदक वितरण समारोह। तेंजिंग गुरुंग को मिला है ब्रॉन्ज मेडल यहां पर 200 मीटर बैक स्ट्रोक में। भारत के देवांश परमार 2:06.07 की टाइमिंग के साथ जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल। कड़ी टक्कर देखने को मिली थी देवांश और निधि के बीच। नितिक नेठेला 2:05.31 की बेस्ट टाइमिंग के साथ 200 मीटर बैक स्ट्रोक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में जीत लिया है गोल्ड मेडल। 200 मीटर बैक स्ट्रोक लड़कियों का फाइनल लेन नंबर 1 में है आरजू थापा, लेन नंबर 2 में श्रीलंका की शेंशुई विहांगा, लेन नंबर 3 में भारत की आरुषि अग्रवाल, लेन नंबर 4 में भारत की पलक जोशी, लेन नंबर 5 में भारत की संजना प्रभुगांवकर, लेन नंबर 6 में श्रीलंका की योनारा रोसाडी और लेन नंबर 7 में श्रीलंका के ही बुद्धिमा समाधि। स्टार्ट के बाद लीड कौन बनाता है ये देखना दिलचस्प होगा, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को तीनों इंडियन स्विमर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। 4 में पलक जोशी के पास इस समय लीड है 50 मीटर पूरा होने के बाद, और आरुषि अग्रवाल उनके ठीक पीछे और थोड़ा सा ज्यादा पिछड़ गई हैं अब संजना प्रभुगांवकर। संजना को स्लाइट एडवांटेज है इस समय सिल्वर मेडल की पोजीशन पर, लेकिन अभी सिर्फ 100 मीटर ही पूरा हुआ है, आधा सफर तय हो चुका है और आधा सफर बाकी है। कम से कम ये तय है कि इस समय पोडियम फिनिश में भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। अपने ही देश की आरुषि और संजना को पीछे छोड़कर इस प्रतियोगिता का, इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम करेंगी। 150 मीटर पूरे किए हैं और 150 मीटर पर फ्लिप कर लिया है पलक जोशी ने, और अभी टच पॉइंट पर पहुंचती हुई संजना और उसके बाद आरुषि, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पलक जोशी की, बेहतरीन प्रदर्शन पलक का। लगभग 5-7 मीटर की बढ़त बनाकर उन्होंने इस 200 मीटर बैक स्ट्रोक में जीत लिया है गोल्ड मेडल, और इस समय संजना प्रभुगांवकर सिल्वर मेडल की पोजीशन में हैं और संजना के नाम जा रहा है सिल्वर मेडल। लड़कियों के 200 मीटर बैक स्ट्रोक का पदक वितरण समारोह, श्रीलंका के नाम ब्रॉन्ज मेडल जाता हुआ। यहां पर भी बाद में टाइमिंग में परिवर्तन देखने को मिला है और जिससे कि परिणाम बदला है। भारत की संजना प्रभुगांवकर ने जीता है सिल्वर मेडल 2:30.24 की टाइमिंग के साथ। संजना और पलक के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला था आखिर के 50 मीटर में, और संजना ने सिल्वर पर कब्जा जमाया है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर बैकस्ट्रोक लड़कियों का गोल्ड मेडल भारत की पलक जोशी के नाम 2:21.42 की टाइमिंग। लड़कों के 100 मीटर बटरफ्लाई का यह फाइनल, भारत के ज्योति हजारिका लेन नंबर 3 में, लेन नंबर 4 में भारत के हर्ष सरोहा,
लेकिन लेन नंबर 5 में पारिन थ्रोन और लेन नंबर 6 में रुत्नोसोत पर भी नजर रखिएगा, दोनों थाई स्विमर्स भारतीय तैराकों को कड़ी टक्कर देंगे। ये 100 मीटर बटरफ्लाई है और इस समय शुरुआती लम्हों में बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं लेन नंबर 6 में रुत्नोसोत, 5 में पारिन थ्रोन भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस समय बढ़त लेन नंबर 6 के पास नजर आ रही है, जोर लगाना शुरू कर दिया है ज्योति हजारिका। लेन नंबर 3 में इस समय गोल्ड मेडल के बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं, हर्ष सरोहा सिल्वर मेडल की पोजीशन पर चले गए हैं, रुत्नोसोत भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, कौन यहां पर गोल्ड जीतेगा। लेन नंबर 4 भारत के हर्ष सरोहा के नाम जा रहा है, इस इवेंट का गोल्ड मेडल ज्योति हजारिका के नाम गया है, सिल्वर मेडल और थर्ड पोजीशन यहां पर टाई नजर आ रहा है। 100 मीटर बटरफ्लाई लड़कों के वर्ग का यह पदक वितरण समारोह, और यहां पर जो रोचक बात यह हुई है कि गोल्ड मेडल के बाद 2 सिल्वर मेडल मिलेंगे, कोई ब्रॉन्ज मेडल नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग जो है ज्योति हजारिका और रुत्नोसोत की वो बराबर की टाइमिंग आई है। ज्योति हजारिका और थाईलैंड के रुत्नोसोत की टाइमिंग बिल्कुल सेम रही, इसलिए 2 सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में, और बहुत कम ऐसे अवसरों पर देखा जाता है कि ब्रॉन्ज मेडल का जो पोडियम है वो खाली नजर आ रहा है। ये बताता है कि कितनी टफ फाइट हुई है स्विमर्स के बीच में। भारत के हर्ष सरोहा ने 55.78 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है 100 मीटर बटरफ्लाई लड़कों के वर्ग का स्वर्ण पदक, लड़कियों के 100 मीटर बटरफ्लाई फाइनल की। लेन नंबर 1 में नेपाल की राव्या श्रेष्ठा, लेन नंबर 2 में हैं श्रीलंका की चनुडी देवमिनी, लेन नंबर 3 में भारत की कन्या नैयर, और लेन नंबर 4 थाईलैंड की कोमनलुक, लेन नंबर 5 में भारत की जानवी कश्यप, श्रीलंका की आमिया टियाना रसूल लेन नंबर 6 में हैं, और बांग्लादेश की जूई अख्तर लेन नंबर 7 में। 100 मीटर बटरफ्लाई लड़कियों का फाइनल शुरू हो गया है, लेन नंबर 3 में भारत की कन्या, 4 में थाईलैंड के कोमनलुक गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं, लेन नंबर 5 में भारत की जानवी, लेन नंबर 4 में कोमनलुक बढ़त बनाने में कामयाब हो गई हैं, और उनके ठीक पीछे हैं भारत की जानवी कश्यप। 50 मीटर के बाद फ्लिप और फ्लिप के बाद कोमनलुक इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं जानवी कश्यप। लेन नंबर 2 में चनुदी देवमिनी गोल्ड मेडल जाता हुआ, थाईलैंड की कोमनलुक के नाम एक और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भारत की जानवी कश्यप, और ब्रॉन्ज पर लास्ट मोमेंट पर ऐसा लग रहा है कि कन्या ने बाजी मार ली है। जी हां, थाईलैंड की कोमनलुक के नाम गोल्ड मेडल, भारत की जानवी कश्यप के नाम गया है सिल्वर मेडल, और भारत की ही कन्या नैयर के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। 100 मीटर लड़कियों के बटरफ्लाई का पदक वितरण समारोह, जिसमें कांस्य पदक जीता है भारत की कन्या नैयर ने, आज के दिन का दूसरा और कुल मिलाकर तीसरा पदक उनके नाम, कन्या नैयर। और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि वहां पर थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिला था। भारत की जानवी कश्यप के नाम सिल्वर मेडल, 1:05.45 सेकेंड की टाइमिंग के साथ इन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और थाईलैंड के कोमनलुक ने एक बार फिर परचम लहराया है, एक बार फिर गोल्डन फिनिश की है, एक बार फिर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए जीता है पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 100 मीटर बटरफ्लाई का गोल्ड मेडल। टाइमिंग रही है 1:03.54 सेकेंड। और अब बारी है लड़कों के 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल की। 100 मीटर फ्री स्टाइल के लाइनअप की बात करें तो लेन नंबर 1 में
बांग्लादेश के मोहम्मद इस्लाम, श्रीलंका के मनुजा सिनेरू लेन नंबर टू में, भारत के अनीश गौड़ा लेन नंबर तीन में अपनी चुनौती पेश करेंगे, कीतापाट क्यूमाट लेन नंबर चार में थाईलैंड के, लेन नंबर पांच में वासु पंतुरक्षा थाईलैंड के, भारत के कार्तिकेय नायर लेन नंबर छह में, सेरन सिंह नेपाल के लेन सात में और यशित संधीनु लेन नंबर आठ में श्रीलंका की चुनौती पेश करेंगे। भारत के अनीश गौड़ा थर्ड फास्टेस्ट रहे 53.21, लेकिन वो हीट की कहानी थी। यहां फाइनल रेस शुरू हो चुकी है। लेन नंबर तीन में अनीश, चार में कीतापाट, पांच में वासु, छह में कार्तिकेयन, लेकिन चार और तीन में नजर बनाए रखिएगा। तीन चार पांच में असली टक्कर नजर आएगी। 100 मीटर फ्री स्टाइल है। यहां पर लेन नंबर छह में कार्तिकेय नायर स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्लिप के बाद लेन नंबर चार में कीतापाट क्यूमाट ने लीड बना ली है और अब उनको चेस करना पड़ेगा दूसरे स्विमर्स को। भारत के अनीश गौड़ा बिल्कुल उनके साथ चिपके हुए हैं। अनीश और कीतापाट क्यूमाट में इस समय कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन कीतापाट क्यूमाट गोल्ड मेडल की पोजीशन में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। गोल्ड मेडल थाईलैंड की तरफ जाता दिख रहा है। सिल्वर किसके नाम जाएगा? सिल्वर भारत के नाम, और वासु पंतुरक्षा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इनिशियल रिजल्ट यही बता रहा है। थाईलैंड के कीतापाट क्यूमाट के नाम गया है गोल्ड, भारत के अनीश गौड़ा के नाम गया है सिल्वर, और वासु पंतुरक्षा थाईलैंड के, जिन्होंने सिक्योर किया है ब्रॉन्ज मेडल। 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कों के वर्ग का यह है पदक वितरण समारोह। वासु पंतुरक्षा ने 52.89 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है ब्रॉन्ज मेडल थाईलैंड के वासु। लड़कों के 100 मीटर फ्री स्टाइल में बाजी मारी है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल की। भारत के अनीश गौड़ा, इनके नाम रहा है 100 मीटर फ्री स्टाइल का सिल्वर मेडल, 52.46 सेकेंड की टाइमिंग। कीतापाट क्यूमाट जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल 100 मीटर फ्री स्टाइल पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का, 51.73 सेकेंड की टाइमिंग। और अब बारी है लड़कियों के 100 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल की। श्रीलंका की जेसी सरंगेल लेन नंबर वन में अपनी चुनौती पेश करेंगी, नेपाल की अनुसुईया लेन नंबर टू में, भारत की रुजुला एस लेन नंबर तीन में, मारिया एंडेल्को लेन नंबर चार में, पन्नीता चवनचित लेन नंबर पांच में, भारत की शालिनी दीक्षित लेन नंबर छह में, श्रीलंका की डिनाली लेन नंबर सात में हैं, और नेपाल की रोशा लेन नंबर आठ में। जो जीता वही सिकंदर। 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कियों के वर्ग के लेन नंबर चार और पांच पर नजर बनाए रखिएगा। मारिया एंडेल्को इस टूर्नामेंट में कई गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, और पन्नीता ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चार और पांच, क्या रुजुला और शालिनी उनको टक्कर दे पाएंगी? इस समय लेन नंबर चार में मारिया स्लाइट एडवांटेज पर हैं, लेकिन बढ़िया टक्कर दे रही हैं उनको रुजुला। शुरू के 50 मीटर में रुजुला ने ऐसा लग रहा है कि स्लाइट एडवांटेज बनाया हुआ है। अब थोड़ी सी पिछड़ती हुई रुजुला, मारिया एंडेल्को इस समय लीड पर जाने की कोशिश में, और उनके ठीक पीछे हैं पन्नीता। रुजुला का कमाल का प्रदर्शन, सिल्वर मेडल की पोजीशन पर इस समय रुजुला हैं, लेकिन उनको अपना दमखम और दिखाना पड़ेगा फिनिश लाइन पर। क्या पन्नीता उनको पीछे छोड़ पाएंगी? मारिया इंडेल को गोल्ड मेडल के करीब, मारिया को मिलता हुआ गोल्ड मेडल, भारत की रुजुला के नाम जाना चाहिए सिल्वर मेडल। जी हां, और पन्नीता चवनचुत ने जीता है इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल। मारिया इंडेल को एक बार फिर गोल्डन फिनिश, गोल्डन परफॉर्मेंस, क्या गजब की फॉर्म में है मारिया। लड़कियों के 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट के पदक वितरण समारोह की पन्नीता चवनचित ने 1:00.15 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कियों के वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल। रुजुला एस भारत की सिल्वर मेडलिस्ट,
एक मिनट 00.06 सेकेंड की टाइमिंग रही रुजुला की और इन्होंने 0.09 सेकेंड के साथ ही पीछे छोड़ा है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पनीता को। पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों के 100 मीटर फ्रीस्टाइल का गोल्ड मेडल थाईलैंड की मारिया एंजेलको के नाम। मारिया एंजेलको जिनका एक बेहतरीन टूर्नामेंट घटा है और ज्यादातर इवेंट में पोडियम फिनिश किया है और उसके साथ साथ कई अवसरों पर टॉप फिनिश भी किया है, यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लेन नंबर वन में नेपाल के अरविंद श्रेष्ठा, लेन नंबर दो में हैं दीपांकर अवाले नेपाल के ही, लेन नंबर तीन में श्रीलंका के वेनो लोकित, भारत के जोशुआ थॉमस लेन नंबर चार में, लेन नंबर पांच में भारत के विदित शंकर मोहम्मद फिदेन, लेन नंबर छह में श्रीलंका की चुनौती पेश करेंगे और थाईलैंड के सिरिबुन। 50 मीटर लेन नंबर तीन में विनुल लोखित, लेन नंबर चार में जोशुआ लिटिल, पांच में विदेश शंकर, चार और पांच में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। सिरिबुन क्या यहां पर चुनौती देंगे लेन नंबर सात में, लेकिन इस समय ऑल इंडिया मुकाबला चलता नजर आ रहा है। चार और पांच में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। विदित शंकर स्लाइट एडवांटेज पर जा रहे हैं, उनके ठीक पास में है जोशुआ थॉमस। क्या विदित गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? यहां से ऐसा लग रहा है किसने पहले टच किया, विदित शंकर बहुत स्लाइट एडवांटेज से। क्या विदित के नाम जा रहा है ये गोल्ड मेडल, जोशुआ थॉमस। ऐसा लगा कि जोशुआ भी बाजी मारने में कामयाब हो गए हैं दूसरे पोजीशन पर। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक सिरिबोन ने जीता है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लड़कों की स्पर्धा का कांस्य पदक। भारत के जोशुआ थॉमस 29.80 सेकेंड की टाइमिंग के साथ 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का सिल्वर मेडल अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। विदित शंकर पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के गोल्ड मेडलिस्ट, 29.69 सेकेंड की टाइमिंग के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अब 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लड़कियों का, लेन नंबर वन में है नेपाल की अदीपशा वैद्य, लेन नंबर दो में है श्रीलंका की सेया, लेन नंबर तीन में भारत की वेनिका पारेख, चार में थाईलैंड की तिथिरत इंचाई, लेन नंबर पांच में थाईलैंड की चितिपत सदाव, छह में नजर बनाकर रखिएगा भारत की मन्नत मिश्रा, लेन नंबर सात में श्रीलंका की नवंजाना दिलूनी और लेन नंबर आठ में बांग्लादेश की सफाया अख्तर। पचास मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का यह है फाइनल, फाइनल शुरू हो चुका है। लेन नंबर चार में नजर बनाए रखिएगा तिथिरत इंचाई थाईलैंड की और चितिपत सादाव, क्या उनको भारत की वेनिका कड़ी टक्कर दे पाएंगी। आधा सफर तय हो चुका है और इस आधे सफर के बाद इस समय लेन नंबर चार में तिथिरत इंचाई थोड़ा सा संघर्ष करती नजर आ रही है। चितिपत सादाव लेन नंबर पांच में गोल्ड मेडल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चार और पांच में कड़ी टक्कर है, थाईलैंड के नाम गोल्ड और सिल्वर जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेन नंबर चार गोल्ड मेडल यानी तिथिरत इंचाई के नाम जाएगा यहां पर गोल्ड मेडल। जी हां, चितिपत सादाव ने जीता है यहां पर सिल्वर मेडल, जहां से देख पा रहे हैं थाईलैंड की फिनिशिंग गोल्ड और सिल्वर की। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लड़कियों के इवेंट का पदक वितरण समारोह, भारत की वेनिका पारेख के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। थाईलैंड की स्विमर्स के बीच न सिर्फ अपनी चुनौती पेश की बल्कि पोडियम फिनिश करने में भी वेनिका पारेख ने सफलता पाई। थाईलैंड की चितिपत सादाव के नाम सिल्वर मेडल 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का, थाईलैंड की तिथिरत इंचाई के नाम गोल्ड मेडल गया है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है तिथिरत का इस पूरी प्रतियोगिता में और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में उन्होंने अपने ही देश की चितिपत सादाव को पीछे छोड़ते हुए जीता है स्वर्ण पदक और बनी है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक की क्वीन। और अब बारी है 4x100 मीटर मेडले लड़कों के वर्ग में, लेन नंबर दो में अपनी चुनौती पेश कर रही है नेपाल की टीम, लेन नंबर
3 में टीम श्रीलंका, लेन नंबर 4 में टीम थाईलैंड, और ये शोर है भारत के लिए। लेन नंबर 5 में भारत और लेन नंबर 6 में बांग्लादेश की चुनौती। 4x100 मीटर बैक स्ट्रोक के साथ शुरुआत हुई है यहां पर, और लेन नंबर 4 में थाईलैंड के पुंचरत पहले लेग में, और भारत की तरफ से हैं अक्ष पहले लेग में। लेन नंबर 5 में भारत, 4 में थाईलैंड, 3 में श्रीलंका। इन्हीं तीनों टीमों के बीच पोडियम फिनिश होने की संभावना है, लेकिन इस समय नेक टू नेक फाइट में है 4 और 5। स्लाइट एडवांटेज मिल गई है पुंचरत को वहां पर टर्न में, लेकिन बिल्कुल मामला छोड़ा नहीं है। नजर बनाए रखिए भारत के अक्ष पर, उन्होंने पुंचरत को बिल्कुल पीछे छोड़ने की ठान ली है, लेकिन यहां पर अक्ष ने पहला टच किया है, यानी पहले लेग के बाद लीड है भारत के पास, और अब बारी है भारत के विदित शंकर की। और दूसरी तरफ थाईलैंड के परिपत पिंपरे आए हैं, जोरदार संघर्ष। तीसरे नंबर पर बात की जाए इस समय ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर, लेन नंबर 3 में श्रीलंका के मोहम्मद हैं जो कि इस समय ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर हैं, और लेन नंबर 2 में नेपाल के दीपांकर भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस समय गोल्ड और सिल्वर की पोजीशन पर भारत के विदित शंकर ने कड़ी टक्कर दे दी है परिपत पिंपरे को। आधे मीटर की बढ़त पर है भारत के विदित। दूसरे लेग में भारत के विदित शंकर ने लगभग 1 मीटर की बढ़त दिला दी है भारत को, और अब बारी है हर्ष सरोहा की। मौका है अपनी बढ़त को आगे ले जाने का और भारत को गोल्ड मेडल पोजीशन पर कंफर्टेबली प्लेस कराने का, लेकिन विश्वास मानिए केतापाट जो फाइनल लेग में आएंगे थाईलैंड के, क्या वो उस गैप को भर पाएंगे। लेकिन भारत के पास भी अनीश गौड़ा होंगे, और अनीश गौड़ा इंतजार कर रहे हैं, ये टच किया, अनीश ने डाइव लगा दी है, और अब अनीश गौड़ा जो भारत के सबसे फास्टेस्ट हैं इस टूर्नामेंट में, और उनके साथ हैं केतापाट क्यूमार थाईलैंड के। क्या भारत के अनीश यहां पर 4x100 मीटर मेडले में गोल्ड मेडल दिला रहे हैं भारत को, करीब हैं आखिर के 50 मीटर में। क्या केतापाट क्यूमार कोई चमत्कार करेंगे। भारत के अनीश गौड़ा इस समय बढ़त बरकरार रखते हुए, और अब लगता है कि केतापाट क्यूमार उनको टच नहीं कर पाएंगे। 4x100 मीटर मेडले का गोल्ड मेडल टीम इंडिया के नाम, सिल्वर मेडल गया है थाईलैंड की टीम के नाम, और लेन नंबर 2 में श्रीलंका की टीम ने जीता है इसका ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड भारत के नाम, सिल्वर थाईलैंड के नाम, और ब्रॉन्ज श्रीलंका के नाम। 4x100 मीटर मेडले लड़कों के वर्ग का पदक वितरण समारोह, श्रीलंका की टीम ने 4:10.71 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है 4x100 मीटर मेडले का ब्रॉन्ज मेडल। डॉन बिनुरा, मोहम्मद फिदैन, निखिलेश्वरन और मनुजा सिनेरू की चौकड़ी ने ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। थाईलैंड की टीम ने जीता है 4x100 मीटर मेडले का सिल्वर मेडल। 3:54.02 सेकेंड की टाइमिंग रही है पुंचरत, परिपत पिंपरे, पारिंथ्रोन और केतापाट क्यूमार की टीम सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुई है। 4x100 मीटर मेडले का गोल्ड मेडल भारत के नाम, अक्ष एम, विदित शंकर, हर्ष सरोहा और अनीश गौड़ा की भारतीय टीम ने 3:50.43 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है गोल्ड मेडल। एक और स्वर्णिम सफलता भारत के लिए, एक और गोल्डन फिनिश टीम इंडिया के नाम। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की अंतिम प्रतियोगिता, लास्ट फाइनल, 4x100 मीटर मेडले लड़कियों के वर्ग के। लेन नंबर 2 में अपनी चुनौती पेश करेगी नेपाल की टीम, लेन नंबर 3 में श्रीलंका की टीम, लेन नंबर 4 में मेजबान भारत, लेन नंबर 5 में थाईलैंड की टीम, और लेन नंबर 6 में बांग्लादेश की टीम।
ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ शुरुआत। लेन नंबर चार में भारत, पांच में थाईलैंड, टक्कर यहीं होनी है। सिल्वर मेडल के लिए श्रीलंका और नेपाल के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। और बैक स्ट्रोक के इस पहले लेग में लेन नंबर पांच में चयापा ने बढ़त बना ली है। यहां से बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है और इस बढ़त को कभी भी खत्म किया जा सकता है। फ्लिप पर पहले लेग में, जिसको लीड लेग भी कहते हैं, उसमें अपने बेस्ट स्विमर को आपने रखा जिससे कि आपको लीड मिल सके, मनोबल बढ़ सके और आप पिछड़ नहीं सके। और बिल्कुल पलक जोशी ने वही काम किया, भारत को लीड दिला दी है पहले लेग में। और वेनिका और थाईलैंड की चितिपत सदाव के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। चितिपत यहां पर लेन नंबर पांच में है, लेन नंबर चार में भारत की वेनिका। कड़ी चुनौती चितिपत और वेनिका के बीच। लेन नंबर चार में वेनिका इस समय स्लाइट एडवांटेज पर जाती हुई, चितिपत सदाव थाईलैंड की स्लाइटली पिछड़ गई हैं, लगभग आधे मीटर का फासला। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम ने बढ़त बरकरार रखी है दूसरे लेग के बावजूद। और अब भारत की जानवी कश्यप और थाईलैंड की कोमनलक, इस लेग में नजर रखिएगा, कोमनलक इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट फीमेल स्विमर हैं। बाजी भारत के हाथ लग सकती है लेकिन कोमनलक जरूर यहां पर कुछ हैरत अंगेज प्रदर्शन करेंगे क्योंकि फॉर्म उनके साथ है और प्रिपरेशन भी उनके साथ है। जी हां, कोमनलक इस समय बढ़त बनाने में कामयाब होती हुई। यह तीसरा लेग है, यह बटरफ्लाई लेग है और अंतिम होगा फ्री स्टाइल। थोड़ा सा पिछड़ गई है भारतीय टीम। रुजुला एस, रुजुला बनाम पनीता, ये है टक्कर। कौन बाजी मारेगा, कौन गोल्ड मेडल के साथ पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप को फिनिश करेगा। यहां पर थाईलैंड बनाम भारत की टक्कर है, थाईलैंड की तरफ से पनीता और भारत की तरफ से रुजुला। कांटे की टक्कर, रुजुला बनाम पनीता, चार गुना 100 मीटर मेडले थाईलैंड की। पनीता गोल्ड मेडल यहां पर जीतने के करीब पहुंच गई हैं। थाईलैंड को मिलेगा गोल्ड मेडल, भारत की रुजुला ने दिलवाया है टीम इंडिया को सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल थाईलैंड, सिल्वर मेडल भारत और ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका। चार गुना 100 मीटर मेडले लड़कियों के वर्ग का पदक वितरण समारोह। श्रीलंका की टीम ने 4:55.09 के साथ जीता है चार गुना 100 मीटर मेडले का ब्रॉन्ज मेडल। भारत की पलक जोशी, वेनिका, जानवी कश्यप और रुजुला एस की टीम ने जीता है 4x100 मीटर मेडले का सिल्वर मेडल 4:27.20 की टाइमिंग के साथ। उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन किया है थाईलैंड की चयापा पंसुवान, चितिपत सदाव, कोमनलक और पनीता की इस टीम ने 4:25.23 की टाइमिंग के साथ जीता है 4x100 मीटर मेडले पहले बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का गोल्ड मेडल। कोमनलक की बात करें, पनीता की बात करें, चितिपत सदाव की बात करें या चयापा की बात करें, इन्होंने कई इवेंट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और कड़ी टक्कर दी भारतीय टीम को और यहां पर पोडियम पर सबसे अव्वल। फॉर्मेट जो हमने चूज किया हुआ है मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके कि 20 एंड अंडर एज ग्रुप को हम इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखें, जिससे जो यूथ है उनको एक इंटरनेशनल कंपटीशन करने के लिए एक अच्छा मौका मिले। थाईलैंड, वी आर सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस मीनिंगफुल इवेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक द कमिटमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज दिस वेरी इम्पोर्टेंट चैम्पियनशिप, द बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैम्पियनशिप, बिकॉज दिस इज द माइलस्टोन ऑफ द स्पोर्ट कोऑपरेशन अमंग द बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स।